खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल के एसएनसीयू बार्ड में काम करने वाले कर्मचारियों ने जनसुनवाई में सौंपा ज्ञापन। बार्ड बॉय, स्वीपर गार्ड और अन्य कर्मचारियों ने 4 महीने से वेतन न मिलने की शिकायत की। आज जनसुनवाई के दौरान जिला अस्पताल के एसएनसीयू बार्ड में काम करने वाले बार्ड बॉय, स्वीपर गार्ड 4 माह से वेतन न मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे। बताया गया कि 4 माह से वेतन न मिलने से वे परेशान हैं। परिवार भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं एक बार्ड बॉय ने अपने कपड़े उतारकर अपनी हालत बताते हुए जल्द से जल्द वेतन दिलाने की मांग की। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि उनका वेतन अक्सर 2 महीनों में एक बार दिया जाता है, लेकिन इस बार 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। नौकरी से हटा दिया, किस लिए? तुम ज्यादा वो कर रहे हो, तुम कलेक्टर चले जाओ, कलेक्टर ही आपको पेमेंट देगा। कहने लगे कलेक्टर ही पेमेंट देगा, जाओ नौकरी से निकाल कर कहाँ से पेमेंट ले गया, क्या बने तो कर लो। क्या नाम? बलराम प्रजापति, एसएनसीयू जिला चिकित्सालय विदिशा। क्या मामला? मामला ये सर, 4 महीने से पेमेंट नहीं मिली। सर मेरी 1.5 साल की बच्ची है, मेरा भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है सर, कोई नहीं है। अब आप ये बताओ मैं किसके पास हूँ? अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं बजट नहीं है, ये नहीं है, जिससे बने आप करवाएंगे। कितने कर्मचारी हैं? हम 9 जने हम एसएनसीयू के हैं, बाकी हम पीआईसीयू के भी हैं, सब लोग हैं। कम से कम 20 अधिक। तुम्हें नौकरी से हटा दिया? मैंने 3 बार बोला उनसे तो मुझे कह दिया कि जाओ, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। 3 बार मैंने पेमेंट नहीं मिली। आपका नाम बताइए। मैं गुड्डी बाई सी पर एसएनसीयू में कार्य करती हूँ। कहाँ पर करते हैं? कौन सी जगह अस्पताल में? कहाँ पर? एसएनसीयू। 4 महीने से पेमेंट नहीं मिली। वैसा पेमेंट मांगते हैं तो वो ये कह देते हैं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हम 1-2 महीने तो नहीं आती तो हम लोग कुछ नहीं बोलते उनसे, पर अब 4-4 महीने हो गए, हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि हम क्या बताएं। कितनी सैलरी मिलती है? 7,200। सिविल सर्जन को भी शिकायत की थी पर वो लोग यही कह रहे थे कि आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। कलेक्टर रेट की पेमेंट नहीं। आप ही बोल लो ना।